नमस्कार, दबंग विहार स्टार टीवी में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। दबंग विहार स्टार टीवी, सही खबर सबके लिए। सीतामढ़ी जिला के अन्य विधानसभा क्षेत्र के हर जगह से हमने आपको जमीनी रिपोर्टिंग आपको पेश की है और बताया है कि किस क्षेत्र में क्या माहौल चल रहा है। इस वक्त हम बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र के जिला परिषद क्षेत्र संख्या 31 के अंदर मौजूद हैं, जहां पर हमसे बातचीत करने के लिए बहुत सारे ग्रामीण हैं। आइए उनसे जानेंगे कि 2021 के जो पंचायत चुनाव हैं, इसमें क्या है यहां के ग्रामीण के मुद्दे, और साथ ही में जिला परिषद क्षेत्र संख्या 31 से शगुफ्ता परवीन है, जो अपनी मजबूत दावेदारी पेश किए हुई है, और उनके प्रस्तावक अरशद अली साहब भी खुद हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। पहले युवा और ग्रामीण से जानते हैं इस मर्तबा क्या है इनके मुद्दे। क्या नाम है आपका? मेरा साहब, पिछले 5 वर्षों में जिला परिषद के अंतर्गत कितना कार्य हुआ? अभी तक कोई बच्चा अच्छा से जान नहीं रहा जिला परिषद को, गांव के। अच्छा, अच्छा से समझ रहा है, नहीं आ रहा है कुछ, इसलिए गाँव के आदमी को चुना गया है, अपने गाँव को दिल्ली। क्या लग रहा है इस मर्तबा जो है जिला परिषद के लिए बहुत सारे प्रत्याशी हैं, कौन प्रत्याशी है जो ज्यादा चर्चे में है? हमारे ध्यान से असर भाई को दीजिए, अच्छे काम करेंगे। अच्छा काम करेंगे जी। आपका नाम क्या हुआ? जी मोहम्मद वकार आलम। जी वकार आलम साहब, क्या कमी रह गई है जिसकी वजह से आप लोग चाहते हैं कि शगुफ्ता परवीन को जीतना चाहिए? मतलब कोई अच्छी तरीके से नहीं हुआ है, तो हम लोग चाहेंगे जितने भी नौजवान हैं, मतलब चाहेंगे कि अरशद भाई को इस वक्त जो है ना, इस बार पूरा मतलब सपोर्ट करके हमको जो है ना जिताया जाए। तो शगुफ्ता परवीन जीतेगी तो आप लोग की क्या मांग रहेगी? हम लोग की मांग रहेगी मतलब जो है ना, मांग रहेगी कि मतलब जो है ना यहाँ मेडिकल हो। अच्छा, मेडिकल की सुविधा मतलब ठीक नहीं है, तो हमको जाना पड़ता है। मेडिकल की सुविधा ठीक नहीं है क्या? आपका परिचय क्या बात है? मेरा नाम अमांगुला हुआ, मदारीपुर वार्ड नंबर 4 में। सर, क्या लगता है कि पिछले 5 वर्षों में जो जिला परिषद के अंतर्गत काम होते हैं, चाहे वो पुल पुलिया का काम हो या शिक्षा के ताल्लुक से या स्वास्थ्य के ताल्लुक से, कैसा कार्यकाल रहा? पिछले 5 साल में जो हम लोगों ने बहुत उम्मीद लगा कर लोगों ने, तमाम लोगों ने समाज के सुधीर भाई के जिताया था, लेकिन जो उम्मीद थी उनसे वो उम्मीद पूरी नहीं हो सकी। और अब हम लोग ये चाहते हैं सारे नौजवान लोग, गांव के लोग, भरवा मदारीपुर हिमायनपुर के लोग, एक ऐसा लीडर आए जो सबको लेकर चले और सबके लिए काम करे, और जिस चीज़ की ज़रूरत है खासतौर से तालीम, सुरक्षा, पढ़ाई लिखाई, रोड रास्ता, पुल पुलिया, सारा चीज़। क्योंकि तमन्ना है कि ऐसे ऐसे लीडर को चुना जाए जो इस क्षेत्र को आगे से आगे बढ़ा सके, खुशहाल बना सके, खुशहाल बना सके। क्या लगता है कि शगुफ्ता परवीन अगर जीतेगी तो स्कूल बाई स्कूल जाकर के? हम लोगों को उम्मीद है कि इंशाल्लाह शगुफ्ता परवीन जीतेगी तो पढ़ाई भी सुधरेगा, रोड रास्ता भी सुधरेगा, लोगों के अंदर हर तरह से जो खौफ बना हुआ वो खौफ भी दूर होगा इंशाल्लाह। तो आप देख पा रहे हैं, आपका क्या नाम है? फैसल। फैसल साहब, क्या चाहते हैं आप, कैसा उम्मीदवार जीतना चाहिए? हम यही चाहते हैं कि यहाँ क्षेत्र में शिक्षा की बहुत ही कमी है, बहुत कमी है, हम लोग दूर करने के लिए आशा दली को पूरी सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग को पूरी उम्मीद है ये पूरी काम करेंगे। यहाँ देखे जाए तो आप क्रिकेट के बारे में हम कुछ बोलना चाहते हैं जी। यहाँ ग्राउंड हम लोग को चाहिए, क्योंकि आप देखते हैं कि बिहार के लोग बहुत ही कम है जो इंटरनेशनल में जाते हैं जी। इसका यही कारण है कि यहाँ ग्राउंड ही नहीं मिल पाता है, तो आदमी आगे क्या कर सकता है। तो अभी तक आप लोग कहाँ खेलते हैं? अभी तक तो बस गाछी दूसरे खेलते हैं, हमेशा बोली सुनते हैं। तो ये हमारी दरखास्त है कि यहाँ भी थोड़ा हो जाए कि आगे के लिए हम लोग को जो शुरू से क्षेत्र में जाना चाहता है तो इसको सुविधा मिलना बहुत जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ के युवा का और यहाँ के ग्रामीण की बहुत सारी बातें हैं। इन लोगों का साफ कहना है कि जिला परिषद को हम लोग जिताते हैं, लेकिन जीतने के बाद वो क्षेत्र में आते नहीं। स्वास्थ्य का जो मामला है इस क्षेत्र के अंदर, जिला परिषद क्षेत्र संख्या 31 के अंदर जितने पंचायत है सब में लगभग कमी है। स्वास्थ्य केंद्र न के बराबर है, और है भी तो वहाँ बहुत लापरवाही है। और ऐसे ही शिक्षा के अंदर भी जो युवा हैं, जो अभी बच्चे हैं, देश का भविष्य बन सकते हैं, उन लोगों को सही तालीम नहीं मिल पा रही है। तो आइए अरशद अली साहब से सीधा जानते हैं। अरशद अली साहब, यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनका ये कहना है कि जिला परिषद जीतने के बाद वो फील्ड में ही नहीं रहते हैं, फील्ड से आउट हो जाते हैं। तो इसी तरीके से
क्या शगुप्ता परवीन जी भी ऐसे किए, तो ये तो मुसलसल चलता रहेगा और लोग कैसे निवारण होगा। इसी बुनियाद पर यहाँ के लोगों ने आपस में सलाह करके शगुप्ता परवीन को खड़ा किया है और उसका प्रवक्ता मुझे बना भी दिया है, प्रस्तावक भी बनाया है। और यहाँ के लोगों की समस्या को देखते हुए जिस तरीके से हम RWA के रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन दिल्ली वहाँ जिस तरीके से हम अपनी प्रधानी में काम करवाते थे या करवाते हैं, इसी तर्ज पर हम ये चाहते हैं कि यहाँ के नौजवानों का और कॉलोनी का सॉरी वो गांव का विकास हो, पंचायत का विकास हो। सबसे बड़ी समस्या जो यहाँ की है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जितने भी यहाँ के रहने वाले नागरिक हैं सबका मेन तीन मूल अधिकार है जी, शिक्षा जी, स्वास्थ्य जी और सड़क जी, और तीनों में लापरवाही है। और तीनों में यहाँ देख रहा हूँ लापरवाही। देखिए सड़क और शिक्षा ये तो राम भरोसे जैसे तैसे लोग करवा भी लेते हैं, लेकिन स्वास्थ्य के ऊपर जो हॉस्पिटल का मेन मुद्दा है ये तो सबने बिल्कुल ही इसको नकार दिया है जी। जैसे हमारे यहाँ के MP हो गए जी, हमारे यहाँ के MLA हो गए जी, हमारे यहाँ के MSCG हो गए, हमारे यहाँ के जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी भी निगाह इसके ऊपर नहीं है जी। जबकि ये विधानसभा एक ऐसा विधानसभा है कि इस विधानसभा में हॉस्पिटल नाम की कोई चीज है ही नहीं। लेकिन अर्शद साहब वजह ये है कि ग्रामीण में भी तो जागरूकता नहीं है, इसलिए कि यहाँ के ग्रामीण जब वोट मांगने आते हैं प्रत्याशी तो बड़े बड़े दावे करते हैं और उनको ये लोग वोट दे करके जिता देते हैं, और फिर उसके बाद ये चूंकि जिला परिषद एक सम्मानजनक पद है, लोगों को ये उम्मीद रहती है कि ये चीज की कमी को पूरा करने के लिए मेरी आवाज जिला परिषद उठाएगा, लेकिन जिला परिषद बीच से गायब हो जाते हैं। जितनी बार भी जिला परिषद आते हैं लोगों को प्रलोभन देते हैं जी, चाहे वो रोड बना करके हो जी, चाहे वो नोटों का प्रलोभन हो जी, चाहे वो झांसे में लेना हो जी। मतलब यह है कि यहाँ के लोग इतने सीधे हैं कि लोग उनकी बातों में आ जाते हैं जी। और वो जब जीत कर लोगों की ये उम्मीद होती है कि ये जीत करके जाएंगे तो हमारी हमारी सड़क भी सही होगी, हमारे समाज का रोड भी सही होगा, हमारे समाज की शिक्षा भी सही होगी, हमारे समाज का विकास भी होगा, समाज के एतबार से जितने भी डेवलपमेंट है वो सारे काम करेंगे, यहाँ तक के हॉस्पिटल का हो गया, छोटे छोटे डिस्पेंसरी बनाए गए जिसके अंदर आज भी ताले लगे हुए हैं। लेकिन ये जो सोच करके यहाँ की जनता उनको वोट देती है तो अपनी मजबूरी में या अपने हालात को सुधारने के लिए उनको वोट तो दे देती है, पर जीतने के बाद जो जीत करके जाते हैं उनके हालात तो अच्छे हो जाते हैं पर जनता के हालात जहां के हैं वहीं रह जाते हैं। तो क्या लगता है अगर शगुप्ता परवीन को इस क्षेत्र के जो जनता है यहां के जो ग्रामीण है उनको अगर जिताती है तो सबसे पहला काम क्या होगा उनका? जो अभी तक के मेन उसका जिला परिषद के फंड से जो आते हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से लायामल तैयार होता है जी, वो काम तो चलता ही रहेगा जी। लेकिन इसके अलावा जी, सबसे पहले हमने कई जगह पे लोगों को बताया है कि सबसे पहले मैं आने के बाद सबसे पहला जो मेरा काम होगा जो बाजपट्टी में जो हॉस्पिटल है जी, इसका सौंदर्यकरण करा करके जी, और इसके अंदर ऑक्सीजन का काम जी, और उसके बाद वेंटिलेटर, जांच घर, इन सब का इंतजाम करने के लिए पहला पिटीशन मैं दूंगा विधायक जी को जी, MP को, MLC को, स्टेट गवर्नमेंट को। अगर इन लोगों ने हमारा सुन लिया तो ठीक है, और अगर इन्होंने हमारी बात नहीं सुनी तो सीधा इंडिया गवर्नमेंट को मैं अपना एप्लीकेशन दूंगा। अगर इंडिया गवर्नमेंट भी अगर मेरी बात नहीं सुनती है तो इन सबको पार्टी बनाते हुए मैं सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास अपना पिटीशन फाइल करूंगा और वहां से कोर कमेटी का गठन करा करके तब आकर के यहाँ हम इसका काम कराने का कार्य करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि अरशद अली साहब जो प्रस्तावक हैं शगुप्ता परवीन के, इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यहाँ के ग्रामीण और यहाँ के जनता को घबराने की जरूरत नहीं है। शगुप्ता परवीन अगर यहाँ से जीतती है तो इनका सबसे पहला काम होगा स्वास्थ्य सेक्टर को बेहतर बनाना। जब तक स्वास्थ्य सेक्टर बेहतर नहीं रहेगा, लोगों ने कहा है कि जान है तो जहान है। फिर मिलेंगे किसी नए और ताजा समाचार के साथ।
कैमरामैन अब्दुल कादिर के साथ मैं मेंबर काती मदारीपुर पंचायत।